ओम शांति कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों मैं आपका स्वागत करती हूं पिछली कुछ कविताओं में जीवन को लेकर हम बात कर रहे थे लेकिन पिछले की की जो जो कवि पिछली कड़ी कविता थी वो थी दीपक और पतंगा क्या था वो जानने की कोशिश कर रहे थे समय गुजरता गया पता ही नहीं लगा कि कब समय खत्म हो गया वही कविता आज फिर हम आपके समक्ष लेकर आए हैं चिराग किताब में से ली गई यशपाल शर्मा जी की दीपक और पतंगा वो एक प्रियतम के बारे में बात चल रही है प्रेम के बारे में बात चल रही है स्नेह के बारे में बात चल रही है और जहां तक आजकल शब्द यूज होता है प्यार क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे यशपाल शर्मा जी से मैं आपका और आप मेरे मेहमान का स्वागत करते हैं आइए स्वागत करते हैं यशपाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया स्टूडियो में हम बात कर रहे थे आपकी चिता, चिराग किताब में से ली गई दीपक और पतंगा के बारे में जी पिछली कड़ी में समय समाप्त हो गया था हमारी बातें अधूरी थी उसको फिर से हम जारी करते हैं जी है। आपने बात की थी स्त्री के बारे में और एक पुरुष के बारे में बात कर रहे थे जहां पर स्नेह और प्रेम की बात आ रहे थे मैं नहीं मानती कि प्रेम गलत है मैं नहीं मानती कि स्नेह गलत है हाँ। लेकिन जहां पर आपने एक बात ये बोली कि पुरुष एक कुछ शब्द यूज किया था आपने वो है रूप का लोभी होता है रूप का लोभी होता हाँ। है मैं आपके मुख से ये सुनना चाह रही थी कि वो रूप का लोभी होता है क्यों क्या प्रेम हम एक दूसरे को बिना देखे नहीं कर सकते क्या प्रेम एक सच्चाई का प्रतीक नहीं है क्या प्रेम एक विश्वास का प्रतीक नहीं है जरूरी है कि प्रेम एक रूप का लोभी होता है आपने जो प्रश्न किया जी मैंने सोचने पे मजबूर कर दिया नहीं सोच नहीं इसके <laughs> जी <laughs> देखिए आप मेरे सामने बैठी हैं जी <clears throat> तो आपके प्रश्न का उत्तर देना जी मैं इसलिए तो बैठा हूँ मैं जहाँ तक मैंने प्रेम शब्द की व्याख्या की जी कि प्रेम ईश्वर से हो सकता है जी राधा का कृष्ण से जी और किसी भी भक्त का ज्ञानी का ईश्वर से जो मिलन है मिलन के लिए जो तर्प है जो प्रेम है जो प्रेमाक्षु बहते हैं जी। वो एक प्रेम की आ, हम व्याख्या नहीं कर सकते ना उनके उनकी गहराई को जान सकते हैं कि वो कितना कीमती है कितना पावन है वो कितना मूल्यवान है जैसे मीरा का कि मीरा ने अपना सब लाज लज्जा छोड़ करके एक कृष्ण को अपना पति माना और वो भड़कती हुई कभी वृंदावन और कभी मंडलियों में बैठती थी उसके भजन आज भी सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि वो दिल से गहराई से गा रही है जी एक दर्द है कि जो उसकी वाणी से प्रभु के लिए तड़पता है और जब एक दर्द तड़पता है एक एक दर्द की तर्पण होती है तो आदमी की जो आंखें हैं उसमें नम हो जाती हैं ऐसा कहते हैं कि मीरा चलती 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 द्वारकापुरी चले गई और वहां पे कृष्ण मंदिर है कहते हैं कि उस समय वो इतनी भाव बेहबल थी प्रेम में इतनी दीवानी थी इतनी उसमें तर्प थी तो उसने भगवान को कहा कि प्रभु आप ये जो पीड़ा है ना जी मैं सह नहीं सकते अब मेरे प्राण निकल जाएंगे तो आप मुझे अपनी बाहों में ले लो मुझे अपना सदा के लिए बना लो अब ये जग है मुझे जीने नहीं दे रहा मेरे ऊपर ताने कसते हैं मेरे ऊपर ये होता है अब मैं तुझ बिना नहीं रह सकती तो ऐसा कहते हैं कि जो मूर्ति थी जिसके सामने वो बैठ करके रोई कि मुझे अपनी बाहों में संभालो प्रभु अब मैं जी नहीं सकती तुझ भी नहीं रह नहीं सकती अब मेरा जीना बड़ा मुश्किल है तो कहते हैं कि मूर्ति फटी और बीच से दोनों भगवान की बाहें निकली मीरा को उन्होंने जैसे ही गले लगाया तो मूर्ति मिलती गई भगवान ने सोचा लोग कहेंगे कि मीरा थी ही नहीं यहाँ प्रमाण क्या रहेगा कहते कि उसका जो पल्लू था वो मूर्ति के बीच से थोड़ा सा रह गया कोई भी जज जाने कि जो मीरा जो है भगवान के बीच में समा गई है वो प्रेम था वो प्रेम है जो मीरा ने कृष्ण कृष्ण से किया किया, था, उसने प्रेम किया। वो वो मरी उसी की गोद में जिसको पाकर जी गई उसी की गोद में मरी जिसको वो याद करती थी वो जिसके लिए ईश्वर ने उसके विधान में लिखा था उसे भाग्य में लिखा था कि तू कृष्ण की होके रहेगी तो कृष्ण की ही हो जाएगी तो आज भी लोग उदाहरण देते हैं कि प्रेम कैसा हो मीरा जैसा, जैसा। भोलापन हो तो दने जट जैसा उसने भी कृष्ण को पाया पत्थर से पाया प्रेम हो तो नरसी जैसा नरसी की लड़की की शादी थी तो वो बेचारा गरीब था एक मंदिर का पुजारी था भजन कीर्तन करता था तो लड़की की शादी आ गई तो जो ससुराल वाले थे पहले ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल लड़के लड़की दिखाया जाता है और आजकल तो ज़माना काफ़ी बदल चला है लड़के लड़कियाँ पढ़े हैं आपस में या वो दो साथी बनते हैं तो उनमें आज पुराने ज़माने की तरह दहेज की बात नहीं आती है लड़की अपने घर जा रही है लड़का उसे लेने आ रहा है वा इज्जत आ रहा है अपने चार साथी चार अपने माँ बाप रिश्तेदारों के साथ आ रहा है वह इज्जत जा रहे हैं पहले की तरह दहेज की बात नहीं है जो कलंक था वो मिट गया और एक चीज और गरीब के बहू कभी नहीं जली ना मध्यम वर्ग की कभी जली है जब जली है तो बहुत ज्यादा अमीर लोगों की जली है कारण कि उनको पैसे की इतनी लालसा है कि वो चाहते हैं कि बहु आए तो अपना जो घर घराट बेच करके आ जाए, जहां पे सब कुछ लेके आ जाए, और पुरुष बहुत कम है जो ये देखते हैं कि बहु लाई क्या है स्त्री स्त्री की दुश्मन बन जाती है उसकी ननद उसकी सास उसकी और जो जो उसके रिश्तेदार हैं, क्या लाई है जे क्या लाई है जे उन उन लोगों को ये नहीं पता कि जो वो लाई है उसकी तो उसकी तुम, उसका तुम, व्याख्या नहीं, नहीं कर सकते ना उसकी गहराई है ना उसके आगे को विचार है कि एक बच्ची पाल पोस्ट करके उसका माँ बाप बेच रहा है पढ़ा लिखा करके भेज रहा है और <coughs> तुम्हारे वंश जो इनको चलाने के लिए तुम्हारी सेवा के लिए सदा सदा के लिए वो तुम्हारे घर में आई है और वो घर की मालक ना रही है और उसे पूछ लो क्या लेके आई है ये बड़े लोगों के घरों में बहुत से जल्द भी ऐसे तमाशे होते हैं जड़ने सड़ने के दहेज के ये बड़े लोगों के घरों में होते छोटे लोगों के मध्यम के और जो जो छोटे और गरीब हैं लोग उन, उनके घर में मैंने ऐसा कभी भी तमाशा होते नहीं देखा क्योंकि उनको उन चीजों की कोई लालसा ही नहीं लालसा नहीं कोई इच्छा ही नहीं है जो चीजें हैं उसी में वो खुश रहते हैं हम मजदूर को देखते हैं कई बार मजदूरों को पूछते भैया जीवन कैसे चल रहा है दिहाड़ीदार है।, है कभी लगती है कभी नहीं लगती है कहते चाहे प्रभु जहाँ रख रहा है उसका बहुत शुक्र है मध्यम वर्ग है सर्विसमैन है तो या छोटा मोटा वो व्यापारी है तो वो भी उसका शुक्र अदा करता है प्रभु का शुक्र है बस मैं यही चाहता हूं कि दाल चलता रहे साहब ने भी कहा है दाता इतना जामे उन लोगों की जीवन का एक दर्शन एक जीवन दर्शन था उनका जो आया है उसकी मेहमान नवाजी होनी चाहिए जो हमारे पास तेल फूल है उसके आगे रखेंगे और को लालसा नहीं है कोई ज्यादा गाड़ी नहीं है कोई ज्यादा बड़ा महल नहीं है कुटिया है तो कुटिया ही सही मैंने अपने टाइम पे देखा हमारे अच्छे कोठे होते थे छपर होते थे लोग आराम से रहते थे कोई झगड़ा नहीं था वहां पे कभी नहीं सुना था कि स्टोव हटाए और जो बहू मरी गई जी। वो जब भी स्टोव फटते थे वो बड़े लोगों के जो कारण सिर्फ हा? एक दहेज प्रथा के कारण दहेज प्रथा थी जो लोग देते थे लोग उसी पे खुश थे पहले जमाने में मैंने देखा कि लड़की को कुछ ना कुछ दिया जाता था जी। कि ये जो घर की बेटी है जे खाली ना जाए इसे कुछ ना कुछ दो किंतु उस समय लड़कियों को शिक्षा सुनाई जाती थी जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कभी भी जब हम कहीं जाते थे तो लड़की के वो शिक्षा होती थी कि ऐसा है मतलब कि अब हम ये माँ बाप अब झूठे हैं अब तुम्हारे माँ बाप सास ससुर हैं अब तुमने उनकी सेवा करनी है इधर ध्यान देखो जो अगर लड़की अपने बाप के घर की तरफ ही सोचेगी तो अगला, तो अगला कैसे, कैसे देखेगी उससे कहते अब ये तू उस घर की मालकन बन के जा रही है तूने उस घर की जो मान मर्यादाएं हैं जो विचार संस्कार हैं तुमने वो कायम रखने हैं तो उसको शिक्षा दी जाती थी किंतु आजकल अलग है आजकल मैं कहता तो लड़कियां पढ़ी लिखी आ रही आजकल तो सास और ससर के लिए शिक्षा होनी चाहिए, की शिक्षा होनी चाहिए जी। उनके बारे में पढ़ा जाना चाहिए जवाब होना चाहिए, <laughs> <जी। laughs> <सारे ना> चाहिए। <laughs> <laughs> चलिए आगे की पंक्तियां है तुस्सा है रूप कामनी जो दीवाने को बुलाती है रूप मोह के जादू में चमका दे फसाती है तनवंगी हाँ, मतलब कोमला गोपाल जी उफ उफ कैसा जादू करती है नैन तीन चला करके प्रियतम चैन तू रहती है हरती है तेरा सुखद स्पर्श हेतु तो पल ब्रह्मा कल्प है बन जाते कुछ तजते कुछ बढ़ते पद कुछ फंसे भवर में रह जाते सुंदरी आपने फिर से यहाँ पर सुंदरी शब्द लिया सुंदर गोपाली जी तेरा रूप छलावा जिस पर सम्मोहन करता क्षोभ उदासी के सागर में दिवस गुजरा करता पर सर हृदय पतंगे का जिसका तुझसे सच्चा ने मतलब स्ने स्ने प्यार ये महबद, प्यार की प्रेम की बात की प्रेमी संग ऐसा व्यवहार किसे करना सीखा यह यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क किया ऊपर हाँ, से लेके नीचे तक आपने जितनी भी बातें कही एक सुंदरी के बारे में बोली साथ ही साथ एक मनमोहिनी तनवंगी आपने जो शब्द यूज किया ये एक सबको मिलाकर हाँ। सिर्फ एक सुंदरी के बारे में ही क्यों बोला इसलिए प्रकृति को भी देखें तो वो भी एक सुंदरी है जी और जितना कोई व्यक्ति वनस्पति के साथ प्रकृति के साथ जुड़ता है उसे सुकून मिलता है हमारे ऋषि मुनि पहाड़ों में कंदरों में जंगलों में रहते थे और तप करते थे शांत वातावरण होता था सो प्रकृति जो है ये हर एक को अपनी तरफ खींचती है नारी जो है ये भी प्रकृति का एक मोहनी रूप है मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ कि भारत माता की बात कर रहा था कि हिमालय पर्वत सफेद पे चोटियां हैं वो उसका मुख है और जो उसके पिछले पहाड़ हैं यहाँ पे चीड़ के देवदार के वृक्ष हैं उसमें कुंतल राशि बोलता हूँ उसके वो बाल हैं जो उसने पीछे छोड़े हैं आगे उसका मुख है प्रकृति का दूसरा नाम नारी है जो मोहनी है ऐसा भी कहते हैं कि जो जो जो, जो नारी है ये विष्णु रूप है वो कैसे ऐसा कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु बैठे थे शंकर और पार्वती आ गए तो कहने लगे तो शंकर ने एक प्रश्न किया एक सवाल किया एक इच्छा जाहिर की कि हरी जी हे विष्णु कहते हैं कि आप बड़ा मोहनी रूप धारण करते हैं मैं आपका मोहनी रूप देखना चाहता हूं मुगल शंकर जाने दो यार क्या क्या रफड़ लेके बैठते हो जाते हो कहता नहीं मैं आपका मोहनी रूप देखना ही देखना है जी। पार्थी मुस्कुरा रही है अब वो कभी शंकर की तरफ देखते हैं और कभी वो पार्वती की देखते हैं कभी शंकर की तरफ देखते हैं कि पत्नी इसके साथ है क्या वो मोहनी नहीं है वो मोहनी रूप नहीं है जो तुम्हें इतना मिला है किंतु फिर भी वो ऐसा जिद पड़ा उसने चाय मैं कुछ नहीं खाना पहले मुझे मोहनी रूप दिखाओ भगवान ने जब उसका हार देखा तो देखा पार्वती की तरफ तो पार्वती मुस्कुराई जरा दिखा दो जरा इसको <laughs> जी। जैसे ही भगवान ने भगवान विष्णु ने मोहनी रूप दिखाया सोलह सत्रह साल की वो लड़की बना और वो गेंद लेकर के खेलने लगा कहाँ मोहनी रूप जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय जो मोहनी रूप निकला था लक्ष्मी निकली थी तो भगवान विष्णु ने हरण किया था उसका और उसका पीछा छुड़ाने के लिए जो वहाँ पे चौदह रतन निकले थे उनमें से एक अमृत का कलश भी था जी और एक शराब का कलश भी था तो वो जो राक्षस थे यार बुद्धि थे मोटी बुद्धि वाले थे उनको शराब दी गई वो मस्ती में आ गए और देवता जो थे वही पी। का पी हैं। है? तो उस समय जो भगवान थे जब दोनों अपनी अपनी जगह देखे ये संतुष्ट हो गए तो भगवान विष्णु रूप के ऊपर कहते हैं कि शंकर इतने मोहित हुए वो पीछे पीछे भागने लगे उसके भगवान शंकर आगे, आगे 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 पीछे पीछे फिर उन्होंने अपने पहला रूप विष्णु का रूप दिखाया क्या हो गया शंकर तो भगवान में आ रहा आप सचमुच या मोहनी रूप ऐसा उतारते हैं कि अपना आदमी जो है आ, मन का जो चैन है वो खो बैठता है तो स्त्री को एक प्रकृति का दूसरा में रूपी में दूसरे मैं लेता हूं। आपने लिया और पतंगे की कमजोरी क्या है दीपक की लो है और पुरुष या स्त्री की एक पुरुष की ही नहीं स्त्री की भी जी। एक लालसा होती है जब वो किशोरावस्था में होती है तो एक जो प्रकृति का नियम है कि एक दूसरे की तरफ उनका आकर्षण पड़ता है मैंने कहा पहले कहा एक, एक एपिसोड में मैंने कहा कि ब्रह्मा जी उदास थे कि सरस्वती मैंने इतनी सुंदर रचना की है को किसी की तरफ को आकर्षण ही नहीं है ना फूलों की तरफ को घबरा जाता जी, है जी, जी। ना स्त्री पुरुष जहाँ लड़के लड़की एक दूसरे के ऊपर उनका उनको भाव ही नहीं आता कोई तो ये संसार कैसे चलेगा तो सरस्वती माँ ने या वीना किया तो ऐसे भा पैदा कर दिए कि का जो जान था वो फूलों की सुंदरता की तरफ और जो मधु है उसे चूसने को हो गया और एक दूसरे में जो स्त्री पुरुष थे उन्हें आकर्षण का भाव हुआ ममता का भाव हुआ लोभ लालच ये सब जागने लगा और संसार की गति चल पड़ी लोभ लालच भी बीच में आपने डाला है वो भी है वो किस वजह से संसार को चलाने के लिए जब प्रेम की जब प्रेम साथ में तो लोभ लालच की क्या जरूरत ऐसा कहा जाता है कि लोभी की गुरु स्त्री लोबी की, की गुरु का लोबी की गुरु कामी गुरु स्त्री लोबी के धाम भक्तों के गुरु, गुरु संत हैं संतों के गुरु राम कामी व्यक्ति जो है उसकी आंखों में जब वासना चाहती है तो वो स्त्री को ही अपना गुरु मान बैठता है जो ठीक थी थी कहती है गलत कहती है गलत कहती है उसी तरह वो चलता है ये कर दो कई लोग जो समझदार होते हैं जब गृहस्थी बनती है तो होना जो समझदार हैं वो माँ को अपनी तरफ बहन को अपनी जगह पत्नी को अपनी जगह हर एक को अपनी अपनी जगह रखते हैं जैसे एक श्रृंगार है हमारे कपड़े हैं जय स्त्री अपने सोलह श्रृंगार करती है उसका एक निश्चित जगह है बिंदी की जगह ऊपर है ऐसे सुरमे की जगह अलग है बालों के लिए अलग है ऐसे ही अलग अलग श्रृंगार हैं अगर वो श्रृंगार इधर से इधर कर दिया जाए तो एक उपहास बन जाता है जैसे वो चलेगा तो उसकी तरफ लोग कहें कि देखो कितना ये स्त्री कितनी मूर्ख है देखो देखो जी बिंदी जहाँ होनी चाहिए इसने जहाँ लगा ली है ये नहीं है ऐसे ही संसार के जितने संबंध हैं क्या भगवान राम ने अपने संबंध नहीं निभाए कृष्ण ने अपने संबंध नहीं निभाए निभाए कबीर ने कबीर को कबीर कह लो या दूसरे भी जो दस गुरु हुए हैं गुरु नानक हुए हैं ये सारे जितने भी भक्त जन हुए हैं ज्ञानी ध्यानी जो हुए हैं ये सब ने अपनी अपनी गृहस्थी को निभाया है और जगह जगह उनकी उनको स्थान दिया है और बहुत अच्छा उन्होंने भगवान का भजन भी किया और उसे प्राप्त जी, किया है जी, जी, जी. अब थोड़ा सा आपने स्त्री के बारे में कुछ व्याख्या अच्छी की है नहीं तो पहले मैं सोच रही थी कि कहीं हद तक आप स्त्री को ही बुरा मान रहे नहीं। हैं। ऐसी बात नहीं है दोनों घटके हैं संसार को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष का दोनों का जो एक दूसरे कदम से कदम लाकर चलना है तभी <coughs> तो विकास होता है तभी तो घर बनता है तभी तो औलाद बनती है जी। और एक चीज और मैं कहता हूं कि जो स्त्री है ये पुरुष से ज्यादा चतुर होती है

तो दोनों की बातचीत आ रही थी तो विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी के स्त्री से जो पुरुष है नारी से जो पुरुष है वो ज्यादा चतुर होता है तो लक्ष्मी कहा नहीं नहीं हरी हे हरी ऐसा नहीं है जो स्त्री है वो पुरुष से कहीं ज्यादा चतुर होती है ऐसा मैं नहीं मानता उसने कहा नहीं स्त्री जो है वो ज्यादा नीतिमान होती है वो नीति से अपने घर को चलाती है और पुरुष पीछे उसके शिव छूट जाता है मानता चलो चलो जाना है उसने कहा कबीर के घर में चलते हैं दोनों कबीर के घर में चले गए जो भगवान विष्णु थे उन्हें कबीर में प्रवेश किया और जो माई लोही थी कबीर की पत्नी लक्ष्मी ने उसमें प्रवेश किया तो कबीर साहब किसी घर में गए थे कुछ लेने के लिए या को देने के लिए तो इतने में क्या वो भक्ति भक्त जी आबीर साहब कहा है उसने कहा कौन से कबीर साहब कहते जी कबीर का घर नहीं है कहते है तो उसी का है जी हमने उनके मिलना कहते ऐसे करो जल्दी जल्दी से निकल जाओ वो अब कबीर नहीं रहा कहते कहते माता आप क्या कह रही है कहते देखो वो डंडा पड़ा है साथ में रस्सी पड़ी है वो इस रस्सी से बांधते हैं और डंडे से पीटते हैं आप निकलने वाली बात करो से इतने सोचा अच्छा वो कभी आगे देखेंगे पीछे तो भागने शुरू हो गए इतने के वीर साहब आ गए <laughs> कहते भी वो भागे क्यों जा रहे हैं उसने कहा भी, मुझे क्या मालूम जाओ बना के लाओ उन्हें <laughs> <laughs> <जी। laughs> <जा तु। laughs> चतुर यहाँ पे आपने चतुर की बात ली तो चतुर वहीं पे ही आ गया नीति बात नीति जी जी सो so, जैसे जैसे कबीर साहब पीछे भागे जी वो ऐसे करते थे ये रस्सी मांगते थे और ये सोटी मांगते थे कहा तुमने देनी थी इसमें कि? क्या है कहता जाओ दे आओ वो पीछे डंडा ले करके रस्सी ले करके भागी जा रहे हैं और जो संत थे जो बखते वो आगे आगे भाग रहे थे कबीर साहब आगे इनकी पत्नी ठीक कहती थी भी आप कबीर साहब वैसे नहीं रहे जब वो आगे ज़्यादा ही भागे, तो कबीर साहब का वो पीछे आए सुनाओ नीतिवान कौन है स्त्री है या पुरुष है कहते नहीं मैंने यही हार <laughs> कि नीति में जो नारी है वो आगे है पुरुष आगे है यहाँ पर क्योंकि मैं भी नारी हूँ ना तो हाँ. आप बार बार पुर... पुरुष की व्याख्या करेंगे तो मैं कैसे सुन सकती हूँ नारी की प्रशंसा करने के लिए मैं भी तो बैठी हुई हूँ आगे की आपकी पंक्तियाँ है भट्टी हाँ। से रेगिस्तानों में नंगे पांव चलने वाले प्रेम मिलन की कठिन डगर पर ना बदू जग से डरने वाले हाँ। बांध कफन है सिर रखते प्रेम क्षमा पर जलने वाले अंत पंक्तियां आपकी बांध कफन है सिर रखते प्रेम क्षमा पर जलने वाले मैंने लैला मजरू की बात की जी वो रेगिस्तानों में ही दोनों एक दूसरे को याद कर नाम लेते हुए उन्होंने अपने शरीर को मिटा दिया जी। और यहां पे शशि पुनु की बात आती है जी। कि जो शशि थी वो भी अच्छे घर की थी और पुनु जो दूसरा कहीं दूर बहुत ही धनाढ्य घर का वो बहुत खूबसूरत लड़का था हुँ हुँ हु। तो अभी अपनी सहेलियों से बात कर रही थी वो तो जो सशि है सहेलियों ने कहा कि बहुत खूबसूरत है तो ससी थी वो भी खूबसूरत थी उसने कहा मेरे साथ अगर तो उसकी शादी हो जाए या जा प्यार हो जाए जब जा मुझे मिल जाए और क्या चाहिए जी हर नारी हर स्त्री हर लड़की चाहती है कि मुझे एक सुंदर पति मिले एक अच्छा घर बाहर मिले माँ बाप भी यही ढूंढते हैं लड़की भी यही ढूंढती है और लड़का जी कहता है कि मुझे एक सुंदरी मिलनी चाहिए जो हमारे रिश्तेदारों में आस में इतनी सुंदर कोई ना हो इतनी सुंदर होनी चाहिए पुरुष सिर्फ एक बात चाहता है आजकल की नहीं कि वे कुमाऊ भी हो सुंदर भी हो और वे पैसे चार कमा करके भी देने वाली हो जी मैं पिछली बात कर रहा हूं मैं। जी। तो जो पुनु है वो जो अपनी डाची के ऊपर आता है और उसका एक स्नेहा जब उसे भेजा गया पुन्नो को भेजा गया दोनों का मिलन हुआ तो दोनों इस बात से संतुष्ट थे कि हम अपने उनका वायदा था कि हम अपने प्यार को निभाएंगे को ऐसा ईश्वर का करना हुआ कि किसी कारण से जो पुनु था वो आ ना पाया और ससी थी वो रेगिस्तान में चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है आवाज दिए जा रही है हार के क्या हुआ और उधर से उधर से पुनु चलता है क्यों दिल को दिल से राह होती है जी। जब उसे वो तड़पी तो वो उधर से चला कहते हैं कि रेगिस्तान था रेगिस्तान में बेहोश आ जाती है और जो पुनु है वो भी आ रहा है वो भी रेगिस्तान में जब उनके हाथ पे हाथ आता है दोनों का और दोनों को प्राण निकल जाते हैं बांध कफन है ऐसे रखते प्रेम सीमा पे जलने वाले सिर्फ अब, एक अब वो भास था कि एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर उनका हाथ था और दोनों वो ज़... और दोनों ने प्राण दिया हम्म। सो so, इसके ऊपर एक और मुझे कथा याद आती है कि हम बात करते हैं सोनी में ही बात की जी। सोनी एक कुम्हार की बेटी थी और वो पाकिस्तान में एक चिनाब के किनारे एक गुजरात पड़ता है गुजरात नाम का एक शहर है और जो नहीं बाल था जी। वो एक मुसलमान था उसने अपने बाप को कहा कि मैंने दिल्ली देखनी है मुझे पैसे दो वो पैसे लेकर के वो दिल्ली की तरफ चला कि मैंने वो देखनी है दिल्ली देखनी है आते आते गुजरात शहर में आया तो उसने सोनी को देखा <laughs> देखा तो वो ऐसे करता वो बर्तन लेकर ऐसे चलता रहा तो जब उससे पैसे ख़त्म हो गए तो उसने सोनी को कहा उसके एक झलक पाने के लिए आता था देखने के लिए रोज जब सारे पैसे खत्म हो गए उसने अपना भाप दिया कि मैं तो सोनी तुम्हारे लिए मैं बर्बाद हो गया सारा पैसा घर को अब मैं पीछे कैसे जाऊंगा बाप ने कहा पैसे, पैसे कहाँ बर्बाद किए तो कहता मैं व्यापार करना है दिल्ली में जाके किस्सा कुत्ता जे होता है कि सोहनी जब उसके बाप को पता चला तोला कुम्हार को सोनी के बाप को उसने को कुम्हार लड़का देखा गोरेड़े वाला उसके ग उसकी शादी करती जी और जब उसे ये पता चला तो उसने क्या किया नहीं जब उसे पैसे खत्म हो गए तो उसने उस कम्हार को कहा कि यार मेरे पैसे खत्म हो गए हैं मुझे नौकर रख लो उसे जो मैं होती हैं भैंसे होती हैं वो चराने के लिए रख लिया उसे तो उसका नाम इसीलिए उसका नाम महिपाल पाया डाला गया तो जब उसकी शादी हो गई तो उसने जाकर के चंद्रबागा चिनाब के किनारे के ऊपर जाकर के छपट तो सोनी ने उसे वायदा किया कि मैं हर रात तुझे मिलने के लिए आऊंगी। तो एक दिन जब ऐसे चलता था वो जाती थी घड़े के ऊपर एक रात देखा कि जब मौसम खराब है जब उसकी नंद को पता चला तो नंद ने उसकी जगह कच्चा गड़ा रख दिया और कच्चे वो उसमें कहा मैं पीछे नहीं हटूंगी कच्चे कच्चा गढ़ा जो है जब जाती है तो कच्चा गढ़ा उसके बीच में आ, गुल मिल जाता है पानी में टूट जाता है जब उसे पता चलता है तो वो भी छलांग लगाता है आखिर वो जाकर के उनके दोनों लाशें चंद्रबागा नदी के किनारे के ऊपर मिलती हैं बांध सफन है बांध कफन है ऐसे रखती है प्रेम क्षमा पर चलने वाले अंत की ये पंक्तियां हाँ बहुत आपने इसमें से प्रेम के शब्द आपने जो बताए हाँ। दीपक और पतंगा में प्रेम की भाषा अगर जिसने समझी सच्चा प्रेम जिसने समझा वो ही अपने जीवन में प्रेम को पा पा सकता है आप हमारी कड़ी में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों प्रेम राधा ने कृष्ण के साथ मीरा ने कृष्ण के साथ साथ ही साथ शबरी ने राम के साथ कहा जाता है शबरी ने जूठे बैर राम को खिलाए थे वो भी एक सच्चा प्रेम था सच्चा प्रेम हमें एक भगवान से मिलाता है लेकिन प्रेम अगर सच्चा हो तो जीवन की आगे कड़ियाँ आगे तक लेके जाता है अंत तक लेके जाता है लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए कहाँ तक है ये आप जानते हैं अगली कड़ी में नई कविता के साथ आपके समक्ष और फिर से चिराग में से ली गई यशपाल जी की जो भी कविताएं हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है अगली कड़ी आपके समक्ष लेकर आते हैं तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार ओम शांति नमस्कार ओम शांति